जो है महेश्वरा में जो कार्यक्रम किया गया है, जनता को क्या कहना चाहेंगे? और आप आश्वस्त होते हुए भी आप यहाँ पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं जन जन से? एक सूचना है, पार्टी का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये चुनाव मेरी जनता का चुनाव है। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता चुनाव जीत रही है। 1 तारीख को भारी से भारी मात्रा में साइकिल का ही बटन दबेगा, आप देखिए, क्योंकि 1 तारीख को हमारा जन्मदिन है, तो जनता हमको तोहफे में आशीर्वाद स्वरूप वोट देने जा रही है। यदि आपको यहाँ की जनता चुनती है तो यहाँ के लोगों के लिए क्या करेंगे? यहाँ एक फैक्ट्री है पड़ा हुआ, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, आप क्या करेंगे? मैंने देखा है फर्टिलाइजर जो ओपन हुआ है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि गुजरात के लोगों को, बाहर के लोगों को, मुंबई के लोगों को, कलकत्ता के लोगों को भर दिया है। क्यों? यहाँ पे बेरोजगार नहीं है, यहाँ के जनता को जरूरत नहीं है क्या? यहाँ पढ़े लिखे नौजवान क्या पकोड़ा तलेंगे? तो इस तरह की ये सरकार ने किया है। पहली बात तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक की जो समस्या है, वहाँ फ्लाईओवर बनने चाहिए। 2-4 फ्लाईओवर बने भी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं, जबकि इनके नाम का कोई ईंटा भी धरा हुआ नहीं है। इन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हमन के ईंटा ढूंढत है। मैंने कितने लोगों को लगाया, भाई ईंटा मिल जाए तो फोटो खींच कर ले आना, वहाँ जाके पहले दर्शन करेंगे उस ईंटा का, लेकिन आज तक वो ईंटा मिला नहीं। दूसरी बात कि फ्लाईओवर बन जाता तो ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिल जाता। दूसरा जल भराव की समस्या है, यहाँ पे अंडर शिविर नहीं बने हुए हैं, जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, तो वो होनी चाहिए। क्योंकि मैंने खुद जल भरा हुआ था तो ठेहुने ले पानी रहल, मैं खुद जो उस पानी में मैंने प्रचार किया था जब महापौर का चुनाव लड़ी थी। लकड़ी के कारोबारी परेशान हो जाते हैं और घर में से पानी जो है वो भर जाता है तो पूरे बर्तन बाहर निकलते हैं, बहुत परेशानी होती है, तो जल निकासी की समस्या होनी चाहिए। तीसरी जो समस्या है जानवरों की है, यहाँ पे जानवर जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं दोनों घायल होते हैं, इंसान भी और जानवर दोनों घायल होते हैं, तो उनके लिए पशु आश्रय स्थल बनना चाहिए जिससे जानवर सुरक्षित रहे और युवा भी। विपक्षी तो कहता मैं गौशाला बनवा दिया हूँ, सारी व्यवस्था हो रही है, फिर भी कैसा हो रहा है? गौशाला की बात नहीं कर रही, गौशाला कागजों में है, जमीनी हकीकत पर गौशाला नहीं है। गौ अलग है और शाला अलग है, दोनों अलग अलग कहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे, मैं पशु की ये बात कर रही हूँ कि पशु आश्रय स्थल अगर बन जाता तो जो छुट्टे सांड घूम रहे हैं उनकी समस्या से निजात मिलता। क्योंकि कड़ाके की धूप हो या कड़ाके की ठंड हो, बेचारे किसान मजबूर हो जाते हैं अपने खेती की रखवाली करने के लिए, ये सारी समस्या है। दूसरी बात कि हर सरकार में गरीबी और महंगाई आती जाती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है तो युवाओं को बेरोजगार कर दिया। युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। हमारी सरकार अगर आती है, साइकिल का बटन दबा और इंडिया गठबंधन की सरकार, गजल जिंदाबाद, समाधान हो जाएगा। यहाँ के जो तमाम जो है जनता का जो है क्या जो है आपका अपील है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि 1 जून को साइकिल का बटन दबाए, अगर चैन से 2 जून की रोटी खानी है तो 1 जून को साइकिल का बटन दबाए। 1 जून को हमारा जन्मदिन भी है, तो सब तोहफे के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमको वोट देंगे। 14 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया, हमारा वनवास हमारी जनता खत्म कर ऐतिहासिक चुनाव। जानकारी चाहिए स्वास्थ्य सेवा में, यहाँ पर जो भी मरीज रिफर होते हैं मुख्यमंत्री का गढ़ है, यहाँ स्वास्थ्य सेवा बेहाल है क्योंकि यहाँ के लोग लखनऊ जाते हैं। भाई मैं उसके लिए क्या, मैं खुद चली गई थी लखनऊ, अगर यहाँ मुख्यमंत्री जी ने जो है सेवा उपलब्ध करवाई होती तो काजल निषाद को लखनऊ नहीं जाना पड़ता। उसके लिए लखनऊ जाते समय ही रास्ते में मृत्यु हो गई तब, ये तो मैं लड़ने वालों में से हूँ, तो यमराज से लड़कर आ गई या दमराज से, सारी सुविधाएं हो जाएगी।